कि जिस तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को नंबर वन प्रदेश बनाने का काम किए हैं और साथ में हमारे आजमगढ़ को भी नई पहचान दिए हैं, तो हमारे आजमगढ़ की देवतुल्य जनता एक बार खड़ी होकर पूज्य महाराज जी का तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करिए। महाराज जी को जय श्री राम, महाराज जी को जय श्री राम, महाराज जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये समाजवादी पार्टी वाले मजाक उड़ाते थे, कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। प्रभु श्री राम को गुस्सा आया और प्रभु श्री राम ने गोरक्षपीठ धाम से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को लाके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बिठा दिया। और फिर मेरे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने तारीख भी बता दिया और मंदिर भी बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। पूज्य प्रधानमंत्री जी आए और आज पूरी की पूरी अपने देश की जो जनता है, कहीं जाइए तो आजकल लोग नमस्ते नहीं कहते हैं, कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे हैं। जब मैं आजमगढ़ में आया, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने मुझे कहा कि जाओ आजमगढ़, तो यहां आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अरे यहां तो ईंट रखा है, वो समाजवादियों ने रखा है, तुम यहां कहां आ गए। तो हम कहे कि पता लगाओ कहां ईंट रखा है। पता चला ईंट रखा है और क्या बनाया है, जेल। हम बोले भैया ये तो तुम अपने लिए बनाए हो, जनता के लिए क्या बनाया। तुमको पता है तुम गुंडई करते हो, बूथ कैप्चरिंग करते हो, तुम एक दिन जाने वाले हो, क्योंकि बुलडोजर बाबा आएंगे और तुमको तुम्हारे ही बनाए जेल में उल्टा लटकाएंगे। तो तुमने इसलिए बनाया है कि तुम्हारे बीवी बच्चा घर के नजदीक रहेगा तो खाना पहुंचाएंगे। तो ये जेल तो तुमने अपने लिए बनाया, जनता के लिए क्या बनाया। हमने कहा देखो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को भले 19 में मैं यहां चुनाव हार गया, लेकिन मैंने पूजनीय महाराज जी से जब निवेदन किया तो मेरे महाराज जी ने भी यहां ईंट रखा। लेकिन महाराज जी ने जब ईंट रखा तो आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बना दिए। ये अंतर है समाजवादी परिवारवादी नमाजवादी पार्टी में और हमारी भारतीय जनता पार्टी में, ये अंतर है। फिर हमने कहा बहुत चिल्ला रहा है लोग और कहां ईंट रखा है, चलो दिखाओ। पता चला मंदुरी में हवाई पट्टी बनाया है। हम गए वहां जाके पता किए कितनी जहाजें उड़ती है यहां से। पता चला यहां से उड़ती नहीं है, खाली उतरती है। हम बोले आए कौन सी जहाज उतरती है, बोले वो अपना प्राइवेट प्लेन उतारने के लिए बनाए हैं समाजवादी पार्टी वाले। हमने कहा ये नहीं चलेगा। हमने पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से निवेदन किया और उस मंदुरी हवाई पट्टी को हवाई अड्डा बना के आजमगढ़ से जहाज भी उड़ा दिए। ये अंतर है समाजवादी पार्टी में और हमारी भारतीय जनता पार्टी में, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी में। इन्होंने आजमगढ़ की पहचान को खराब किया था समाजवादियों ने। गुंडों को पालते थे, आतंकियों को सह देते थे, आतंक का गढ़ बन गया था आजमगढ़। कहीं भी देश में हत्या हो वहां हथियार मिले तो उसमें लिखा हुआ मिलता था मेड इन बम्हौर आजमगढ़। ये क्या बनाया तुम लोगों ने आजमगढ़ को। ये ऋषियों की धरती, कलाकारों की धरती, साहित्यकारों की धरती है,
पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आए, उसी हरिहरपुर में छोटे छोटे बच्चों ने संगीत की साधना करके पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को सुनाया। पूज्य महाराज जी ने इसी आजमगढ़ में संगीत विद्यालय बनवा दिया। अब दुनिया से कोई बच्चा आजमगढ़ में कट्टा खरीदने नहीं, संगीत की शिक्षा लेने आता है। ये बन गया हमारा आजमगढ़, ये बनाया है हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, और वो आज मंच पे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ धन्यवाद देंगे हम लोग। एक बार फिर से खड़े होइए और धन्यवाद दीजिए। महाराज जी को जय श्री राम, महाराज जी को जय श्री राम।